ऐसा फ्लाइंग बटरफ्लाई बनाने के लिए चाहिए हमें दो A4 साइज के अलग अलग क्राफ्ट पेपर, फेविस्टिक, सीजर, पेंसिल और मार्कर। अब ये दोनों जो A4 साइज के पेपर है उसको ऐसे पहले फोल्ड करना है आपको। अच्छे से फोल्ड करो, देखो इसके कॉर्नर सभी एक साथ होने चाहिए और यहाँ हल्के से प्रेस करना है ऐसे। उसके बाद क्या करना है, पेंसिल लेनी है और मैंने यहाँ जो जिस साइड हमने फोल्ड किया है उस साइड से हमें ड्रॉ करना है, नहीं कि ये ओपन एरिया ओपन साइड। फिर मैंने यहाँ अपनी पसंद का शेप में बटरफ्लाई का ड्रॉ करने वाली हूँ। आप आपकी पसंद का कोई भी शेप बटरफ्लाई का ड्रॉ कर सकते हो। और मैंने पहले से ही लाइट लाइट ड्रॉ कर लिया है, उसके ऊपर मैं डार्क डार्क ऐसे ड्रॉ करूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सीधा ही डार्क ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। फिर आप देखा है ना बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो बहुत सारे शेप्स के होते हैं और बहुत सारे कलरफुल्स भी होते हैं ना, वो पौधों पे बैठते हैं। फिर यहाँ से आगे की ओर ऐसे देखो कितना अच्छा हो रहा है ना। दोनों साइड साथ में रखने से क्या होगा, हमें कटिंग दो बार नहीं करना पड़ेगा और कटिंग एक बार में ही अच्छे से हो जाएगा ऐसे। मैंने जो आपको पहले दिखाया उसमें मैंने अलग शेप किया है और इसमें मैंने अलग शेप किया है। फिर यहाँ से ऐसे आगे ये उसकी फिलर से, इससे वो जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर जो रस होता है वो इससे फील करते हैं ऐसे। अब क्या करना है, अब आपको सीजर लेनी है। आपको पेरेंट्स को बोलना है कि सीजर का यूज़ करते टाइम वो आपके साथ हो, और फिर अगर पेरेंट्स काट दे आपको तो बेटर है। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पूरा आपको काट लेना है, दो है इसलिए ध्यान से काटना है कि आपको हाथ में लग ना जाए ऐसे। जो बचे हुए टुकड़े होते हैं वो भी हमें संभाल कर रखने हैं, उसमें से हमें दो स्ट्रिप कट करनी है, शेप आपका बिगड़ ना जाए। इस तरह से आपको ध्यान रखते हुए पूरी ये बटरफ्लाई पूरा काटना है और हाथ में भी ना लगना जाए। मैंने फिलर्स कट कर ली है, अब उसके विंग्स कट करेंगे हम। सबसे पहले मैं ऐसे पूरा कट कर लूँगी, जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा पेपर निकल जाएगा, फिर हम कॉर्नर अच्छे से कट कर सकते हैं और साइड में जो बचा हुआ है उससे हम स्ट्रिप भी कट कर सकते हैं ऐसे। ये जो छोटे छोटे बचे हुए कागज़ है वो हमें दूसरे कुछ और कुछ बनाने में काम आ सकते हैं, इसलिए पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
उसके विंग्स हमें अच्छे से काटना है। ये उसकी बॉडी है और ये दोनों विंग्स है। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस हिसाब से हमें अच्छे से काट लेना है। बार बार बोल रही हूँ, काटते समय आपको लग ना जाए वो आपको ध्यान रखना है। आपको जैसे इजी पड़े उस साइड से आप काट सकते हो, लेकिन बटरफ्लाई का शेप वो गलत नहीं हो जाए वो आपको ध्यान रखना है। अब ये उसकी विंग्स है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों विंग्स अच्छे से ऐसे कट कर लेनी है। पूरा शेप आप कुछ भी कोई भी शेप बना सकते हो। आपको खेलने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाएगी। देखो ये नीचे वाले विंग्स और ये बॉडी पार्ट्स हमने अच्छे से कट कर लिया है, और जो ये वेस्ट पेपर है वो भी हम एक साइड रख रहे हैं ऐसे। अब जो ये कॉर्नर वाला है वो ध्यान से करना है, कोई भी कॉर्नर छूट ना जाए। देखो ये पूरा बटरफ्लाई कट होके रेडी हो गया है दोनों, एक ये कलर का और दूसरा ये कलर का। मैंने ऐसा वाला शेप बनाया है क्योंकि मुझे ये वाला शेप पसंद है। आपको आपको जो पसंद है वो शेप्स आपको ड्रॉ करना है और अच्छे से ध्यान से कट करना है। अब क्या करना है, आपको जो बचा हुआ पेपर था उसमें से मैंने ऐसे दो पेपर ले लिए हैं और उससे आपको अच्छे से ऐसे पकड़ना है। मैंने उसे अच्छे से पकड़ रखा है और यहाँ से पूरा ऐसे हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। स्ट्रिप एक ही साइज़ की होनी चाहिए। आपको अगर साइज़ में पता ना चले तो आप पहले पेंसिल से कर सकते हो। ऐसे पकड़ के पूरी स्ट्रिप कट कर लेनी है। देखो ऐसे दो स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब क्या करना है, आपको सीजर को साइड में रखना है और जो बटरफ्लाई है उसको फेविस्टिक लेनी है और ऐसे पूरा प्रेस कर लेना है। फिर इसको भी अच्छे से प्रेस कर लो, फिर फेविस्टिक इसकी हेल्प से आपको इसको यहाँ से बीच में जो हमने फोल्ड किया हुआ है वहाँ आपको बीचों बीच में से अच्छे से फेवी स्टिक लगा लेनी है और ऊपर तक ना यहाँ नहीं लगाना है, सिर्फ बीच में ही लगाना है। और जो ये वाला है बटरफ्लाई इसको इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करना है, लेकिन ध्यान से पेस्ट करना है क्योंकि पेस्ट सही जगह पे और सही शेप में होना चाहिए और ऐसे अच्छे से आपको प्रेस कर लेना है। हमने पेपर ऐसे रख कर काटा था ना, तो हम पेस्ट भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि जो फोल्ड किया हुआ है वो बाहर रहेगा और फोल्ड की अंदर वाली साइड ऐसे अंदर पेस्ट करना है। अब क्या करना है, आपको जो ये विंग्स है उसकी वो आगे से आपको ऐसे थोड़ा सा दोनों साइड ऐसे पेस्ट करना है और हल्के से प्रेस कर लेना है, ऐसे दोनों साइड करना है। इस साइड भी हम देखो ऐसे दोनों साइड ऐसे अच्छे से करके ऐसे प्रेस कर देंगे और थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखेंगे। विंग्स ऐसे
खुले होने चाहिए, अंदर की ओर चिपकाया है हमने, बाहर की ओर नहीं। इससे आपको ध्यान रखना है कि उसके विंग्स ऐसे ओपन हो और थोड़ी देर सूखने के बाद ही इसको लेना, वरना वो पेस्ट नहीं होगा। अब मार्कर से आपको जो शेप के आइस पसंद हो वो शेप आइस में आप बना सकते हो, राउंड या फिर ऐसे। फिर उसका नोज भी बना सकते हो और ऐसे उसकी स्माइल आ किसी भी तरह से बना सकते हो। अब क्या करना है आपको, अब जो ये फोल्ड किया है वहाँ जो ऊपर की साइड है, ये वाली ऊपर की विंग्स है, यहाँ वहाँ आपको ऐसे स्ट्रिप क्रॉस में कैसे करनी है, क्रॉस में प्रेस पेस्ट करनी है और प्रेस कर लेना है। पहले मैं देखो, मैं पहले यहाँ ऐसे फेविस्टिक लगाऊंगी अच्छे से और फिर इसको यहाँ ऊपर की ओर पेस्ट करूंगी ऐसे ऐसे। मैं थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख रही हूँ। अब दूसरी साइड भी ऐसे स्ट्रिप पेस्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि सेम वही जगह पे आ जाए और यहाँ से स्ट्रिप सेम होनी चाहिए ऐसे। फिर इसको हल्के से प्रेस कर लेना है और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रखना है। देखो ये हमारा बटरफ्लाई रेडी हो गया है। देखो कैसे फ्लाई कर रहा है, ऐसे अच्छे से फ्लाई कर रहा है ना। ऐसे ही आपको बटरफ्लाई क्राफ्ट एक्टिविटी करके रेडी करना है। और आप बटरफ्लाई तो बहुत सारे कलर के होते हैं और बहुत सारे डिज़ाइंस के भी होते हैं, तो आपको कोई भी डिज़ाइन या कोई भी कलर का बटरफ्लाई रेडी करना है, ऐसे बनाना है और ग्रुप में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सेंड करना है। थैंक यू।